आज बेटा कुरकुरे का पैकेट उठा लाया और कहने लगा कि देखो इसमें तो जरा से ही कुरकुरे हैं और बाकी पूरी हवा भर दी है ताकि पैकेट बड़ा नज़र आए। मैंने कहा कि ये जो इसके अंदर हवा भरी हुई है ये एक्चुअली इसको बड़ा करने के लिए नहीं है, आपके जो कुरकुरे हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए है। तो यहीं से बात आगे बढ़ी और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे, विकृत गंधिता या रंसिडिटी पर। बच्चों आपने देखा होगा कि जिन खाद्य सामग्री के अंदर तेल या वसा होता है तो अक्सर लंबे समय तक अगर वो उनको हवा में हम खुला छोड़ दें तो क्या होता है, उनको खुला छोड़ देने पर उनमें एक खास प्रकार की गंध और स्वाद तो उनका बदल ही जाता है और एक खास प्रकार की उनमें गंध आना, स्मेल आना शुरू हो जाती है और वे खाने योग्य नहीं रहते। बच्चों ये जो वसा या तेलयुक्त खाद्य सामग्री में इस प्रकार का जो बुरा प्रभाव आता है उसे ही हम रंसिडिटी या विकृत गंधिता कहते हैं। इस विकृत गंधिता का बच्चों कारण क्या है कि जो तेल और वसा वाले खाद्य पदार्थ हैं उनका ऑक्सीकरण हो जाता है लंबे समय तक खुला रखने पर। तो जो ऑक्सीकरण की जो ज़्यादा मात्रा या बढ़ जाती है तो वह बहुत ही नुकसानदायक प्रभाव इन पदार्थों पर डालती है। तो बच्चों हम कहते हैं कि जब वसायुक्त या तेलयुक्त खाने की सामग्री लंबे समय तक खुली रह जाती है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है जिससे तेल या वसायुक्त सामग्री की गंध और स्वाद बुरी तरह बदल जाते हैं। ये पदार्थ तब खाने योग्य नहीं रहते, इसे ही बच्चों रंसिडिटी या विकृत गंधिता कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम उसको तेल चढ़ना भी बोलते हैं खाद्य सामग्री के ऊपर, इस तरह से होता है और स्मेल आना शुरू हो जाती थोड़ी बुरी सी, तो यही विकृत गंधिता या रंसिडिटी होती है। अब बच्चों इस विकृत गंधिता या रंसिडिटी को रोकने के उपाय क्या हैं? और यहां सवाल यह है कि ये कुरकुरे में क्या किया हुआ था, ये फुला फुला सा इसमें कौन सी क्या भरा था, इसमें बच्चा बोल रहा था इसमें हवा भरी है, तो हमें इससे भी जानना चाहिए, हो सकता है ये रंसिडिटी या विकृत गंधिता को रोकने का एक उपाय हो। तो आइए इसके उपायों पर हम चर्चा करते हैं। देखिए ये जवाब हमें यहां मिल रहा है कि जो चिप्स कंपनियां होती है वो चिप्स या तली हुई खाने की चीजों की जो थैली होती है उस थैली में खाद्य सामग्री के साथ नाइट्रोजन गैस भर देती है। मतलब इस कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी थी, नाइट्रोजन गैस। ये कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस खाद्य सामग्री के आसपास फैलने से जो वायु की ऑक्सीजन है, बच्चों जो वायु की ऑक्सीजन है जो कि वसा और तेल वाली खाद्य सामग्री का क्या करती है, ऑक्सीकरण करती है, तो इस नाइट्रोजन गैस के कारण वो जो वायु की ऑक्सीजन है वो इस खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण नहीं कर पाएगी जिससे लंबे समय तक जो है अंदर खाद्य सामग्री है उसका स्वाद और गंध नहीं बदलेगी और वो खाने की दृष्टि से क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। अगर ऑक्सीजन उसके संपर्क में आती है तो फिर हम जानते हैं कि उसका ऑक्सीकरण होगा और अगर ऑक्सीकरण होगा तो वसा या तेलयुक्त पदार्थ का क्या होगा, गंध और स्वाद बदल जाएंगे और उसमें विकृत गंधिता या रंसिडिटी आ जाएगी। तो जो आपने नाइट्रोजन गैस भर दी तो ये जो कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस है, अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस है, ये खाद्य सामग्री के आसपास होने से वायु के ऑक्सीजन उसका ऑक्सीकरण नहीं कर पाएगी। तो फिर कुरकुरे में जो ये नाइट्रोजन गैस भरी है ये सुरक्षा की दृष्टि से भरी है, कुरकुरे के पैकेट को बड़ा दिखाने की दृष्टि से नहीं भरी गई है। चलिए और रंसिडिटी को रोकने के उपाय देखते हैं कि आप जो भी वसा या तेलयुक्त खाद्य सामग्री है उसका ऑक्सीकरण अगर आप रोकना चाहते हैं तो उसमें एंटी जो प्रतिऑक्सीकारक है एंटीऑक्सीडेंट्स मिला सकते हैं। जैसे आप मिला सकते हैं उसमें BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये बड़ा फेमस एंटीऑक्सीडेंट है। एक और एंटीऑक्सीडेंट होता है BHT होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। तो ये BHA और BHT ये दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर सामग्री के अंदर मिला सकते हैं।
फिर आपने देखा होगा बच्चों की जो तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्री होती है उसको ज़्यादातर क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर रख कर भी हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये सारे उपाय सिर्फ एक ही चीज़ के लिए हो रहे हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीकरण नहीं कर पाए। ऑक्सीकरण अगर बच गया तो क्या होगा, रेंसिडिटी या विकृत गंधिता से भी हम बच जाएंगे। तो रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होगा, आपको पता है उसके अंदर लो टेम्परेचर होता है, तो जब भी ये खाद्य सामग्री रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो कम ताप के कारण क्या होगा, वो जो वसा या तेलयुक्त खाद्य सामग्री जो है हमारी, कुरकुरे चिप्स वगैरह जो भी हैं, तो वो क्या होगा, उसका उसके ऑक्सीकरण की गति क्या हो जाएगी, मंद पड़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, विकृत गंधिता पर रोक लगेगी। तो ऑक्सीकरण की गति को मंद कर दिया हमने। इसी प्रकार हम एयरटाइट कंटेनर में अगर रख दें वसा या तेलयुक्त खाद्य सामग्री को, तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में ही ऑक्सीजन उसके संपर्क में आ पाएगी और क्या होगा, ऑक्सीकरण फिर वही होगा, मंद पड़ जाएगी और विकृत गंधिता पर अधिक समय तक रोक लगी रहेगी। तो बच्चों इस तरह से हम देख रहे हैं। एक आध और हम रोकने के उपाय देखते हैं कि वसा या तेलयुक्त खाद्य सामग्री को सूर्य के प्रकाश से दूर रखना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जहां पर आपने नमकीन की शॉप्स वगैरह होगी तो वहां हम देखते होंगे कि वे एयरटाइट कंटेनर में तो रखते हैं, कांच के जार वगैरह में, और उसको धूप से हमेशा बचाते हैं। तो जब आप धूप से बचा लेते हैं या सूर्य के प्रकाश से उसको दूर रखते हैं तो उससे क्या होगा, प्रकाश की जो कमी होती है तो प्रकाश की कमी में ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाता है, मतलब वही ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है वो मंद पड़ जाएगी, जिससे रंसिडिटी या विकृत गंधिता का जो प्रभाव है वो लंबे समय तक नहीं रहेगा या नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से हम समझे कि विकृत गंधिता या रंसिडिटी से क्या अभिप्राय है, कि जब भी वसायुक्त या तेलयुक्त जो खाद्य सामग्री होती है वो लंबे समय तक अगर खुली रह जाती है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ऑक्सीकरण होने से क्या होगा, उस सामग्री का जो स्वाद है और गंध है वो बुरी तरह से बदल जाते हैं और वो पदार्थ खाने योग्य नहीं रहते। तो ये स्वाद बदलने और ये जो गंध बदलने वाला जो पूरा प्रोसेस है जिससे सामग्री खाने योग्य नहीं रहती, तो हम कहते हैं विकृत गंधिता, मतलब उसकी गंध क्या हो गई, विकृत हो गई, बदल गई, इसे ही हम रंसिडिटी या विकृत गंधिता कहते हैं। और इसके रोकने के तमाम उपाय सिर्फ एक ही बात पर आधारित है कि किसी भी प्रकार से जो वायु के ऑक्सीजन है वो उस खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण नहीं कर पाए या उसके ऑक्सीकरण करने की जो क्रिया है वो मंद पड़ जाए। और इसीलिए हम क्या करते हैं, जो चिप्स या खाने की थैलियों में कंपनियां जो है वो नाइट्रोजन गैस भर देती है या ये वसा या तेलयुक्त जो खाद्य सामग्री उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देते हैं या हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं या एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं या सूर्य के प्रकाश से दूर रखते हैं। धन्यवाद।